दोस्तों, अगर आप घर बैठे इंस्टेंट 10% लोन ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं या फिर इमरजेंसी आ पड़ी है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स कंडीशन जान ले, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, सारा कुछ समझने के बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन के लिए अप्लाई करेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है। दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़े तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। आज मैं बात करने वाला है एक वर्किंग लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए से इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। जानेंगे सब कुछ डिटेल्स में, कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ पर लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही आपको लोन लेकर भी दिखाने वाले हैं। अगर आप लाइफ में पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी सिविल स्कोर 0 होगी या फिर माइनस में होगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लोन मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। आप इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन लेकर आप ऑन टाइम पेमेंट करते हैं तो आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपको पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़े, तो आप इन एप्लीकेशन के जरिए से लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और समय पर भुगतान करके सिविल को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से दोस्तों वर्क करती है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लोनी एप्लीकेशन के बारे में, जिसके मदद से आप यहाँ पर इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। ये है ब्रेंदर प्रजापति, जो हमारे एक छोटे भाई हैं, उनको यहाँ पर लोन्स मिला है 200 रुपए के अप्रूवल। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, लाइफ में इन्होंने पहली बार यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई किया है और इनके कोई भी सिविल रिपोर्ट नहीं है और अभी तक कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए से लोन्स के लिए अप्लाई नहीं किया है। ऐसे में उनका 0 सिविल स्कोर होगा, तो आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100% आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा सिविल स्कोर को अपनी इंप्रूवमेंट करने के लिए। इसी तरह से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, टोटल 900 तक आपके सिविल स्कोर काउंटिंग किए जाते हैं। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको पर्सनल लोन्स के रिक्वायरमेंट पड़ते हैं, मेडिकल इमरजेंसी आ पड़े, तो आप इन एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनका भी प्रोफाइल है, यहाँ इनके द्वारा लोन अप्लाई किया गया है जो कि 200 रुपए के अप्रूवल मिली है। जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, लाइफ में पहली बार इन्होंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया, बाकी कई जगह इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हैं 200 रुपए का लोन मिला है, प्रोसेसिंग फी 34 रुपए लिए जा रहे हैं, GST यहाँ पर 6 रुपए, इनके बैंक खाते में जो भी लोन अमाउंट डिस्पर्समेंट होंगे 160 रुपए होने वाले हैं। टोटल लोन को रिपेमेंट करना होगा 209 रुपए, पूरे 61 दिनों का यहाँ पर लोन टर्म देखने को मिल रहा है। अगर आप लाइफ में पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपने कई जगह ऑनलाइन लोन्स के लिए अप्लाई किया होगा तो रिजेक्शन देखने के लिए जरूर मिला होगा। ऐसे में इसलिए क्योंकि आपके सिविल स्कोर 0 होने की वजह से आपको लोन नहीं मिल रहे हैं कहीं भी। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लोन अप्लाई करना एक सिविल स्कोर काफी मायने रखता है। तो अब आप यहाँ पर लोन के जरिए से इंस्टेंट लोन दोस्तों ले सकते हैं और अपने सिविल स्कोर को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। समय पर भुगतान करिए, सिविल स्कोर आप यहां पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया, एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि NBFC रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ ही साथ यहां पर मेंशन किया गया है, वो भी कंप्लीट एड्रेस के साथ। इन फ्यूचर कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर पूछताछ करना चाहते हैं, इरर फेस कर रहे हैं, तो आप इनके ईमेल के जरिए सपोर्ट या हेल्प दोस्तों ले सकते हैं। आप यहां पर 0 सिविल से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर ऑन टाइम पेमेंट करते हो तो सिविल को आप यहां पर इंप्रूवमेंट दोस्तों कर सकते हैं। ऐसे में यहां पर गेट द लोन के ऊपर हम सिंपल क्लिक करेंगे और सीधा यहां पर आपको बताने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआती दौर में कि आप वर्किंग लोन एप्लीकेशन के बारे में ही आज वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ऊपर में देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, ये OTP कोड होगा और ऐसे कंडीशन में देख सकते हैं कि आपके बैंक खाते में जो भी लोन अमाउंट डिस्पर्समेंट होंगे 160 रुपए होंगे और 209 रुपए इनको लोन को रिपेमेंट करना होगा। ऐसे में जो भी OTP कोड आया है, OTP कोड आप यहां पर फिलअप करेंगे। आप चाहते हो तो पर्सनल लोन एग्रीमेंट रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद इस बॉक्स को चेकआउट करेंगे और नीचे से कंफर्म वाले बटन के ऊपर सिंपल क्लिक कर देंगे। दोस्तों, एक वर्किंग लोन एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और साथ ही साथ अगर आप लाइफ में पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपके सिविल स्कोर 0 है या फिर आपने कभी लोन लिया ही नहीं है और कई जगह आपने ट्राई भी किया होगा तो लोन आपको मिला भी नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप इन एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं आपको नो करके आपको आगे बढ़ना है और ऐसे में आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं योर मनी आर ऑन इट्स वे, तो डिस्पर्समेंट होने वाले हैं, आपको थोड़ा दोस्तों यहाँ पर वेट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर दोस्तों वेट कर लेते हैं जब तक इनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं। सारी चीज़ों डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर प्रूफ के तौर पर आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बार बार रिफ्रेश भी कर रहा हूँ। लो जी, फाइलिंग के बैंक खाते में पैसे भी ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से एप्लीकेशन के अंदर में डैशबोर्ड देखने को मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, 200 रुपए का लोन लिया गया है 15 दिसंबर को, ठीक है। 62 दिनों का इनको समय मिला है लोन भुगतान करने के लिए। पहला रीपेमेंट डेट जो कि यहाँ पर निकल के आ रही है, पहली ईएमआई 15 फरवरी 2022 को, जो कि 105 रुपए नेक्स्ट ईएमआई पेमेंट करनी होगी। टोटल इनको पेमेंट करना होगा 209 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एप्लीकेशन ये वर्क करती है। ईएमआई की तरह आप लोन को भुगतान कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन के बारे में पहली बार सुने हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से लोन्स के लिए अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आधार पैन के बेस पर दोस्तों लोन सर्व करती है पूरे भारत में। अगर कभी भी पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट आ पड़ी है, पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपकी सिविल स्कोर जीरो है, तो ऐसे कंडीशन में आप इन एप्लीकेशन की तरफ डेफिनेटली जाइएगा। आपको यहां पर अप्रूवल किसी भी लोन अमाउंट की मिल सकती है और यहां से आप सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ऑन टाइम पेमेंट करके। दोस्तों यहां पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 160 रुपए के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं, जो कि यहां पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक दिया गया था, जैसा कि यहां पर स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रूफ और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो से इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।